ऐसी महाभारत होती है ना, दिल कह रहा है खा ले और दिमाग कह रहा है पर नहीं, सारी एक्सरसाइज वेस्ट हो जाएगी, खाऊं कि नहीं खाऊं, डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, बट लेट्स सी। वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज है मंडे 8th of August और आज आपको मेरी आवाज बहुत चहचहाती हुई नजर आ रही होगी ना, उसका एक रीजन है, गेस व्हाट, क्योंकि आज यशवंत फॉर अ चेंज ऑफिस गए हैं। आज यशवंत को ऑफिस जाना है, वीक में उनको दो दिन जाना होता है तो वो आज गए हैं और बच्चे भी अभी तक घर नहीं आए हैं तो पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, इसीलिए मेरी आवाज़ बहुत तेज आ रही है। अदरवाइज मुझे हमेशा फुसफुसा के बात करनी पड़ती है क्योंकि फिर यशवंत ऐसे आके दिखाता है मेरी मीटिंग चल रही है और तू व्लॉगिंग शुरू कर देती है, तो आज मैं फॉर अ चेंज बहुत तेज बोल रही हूँ, इसलिए आपको मेरी आवाज़ में कुछ चेंज नजर आया होगा। और राखी को बचे हैं अब सिर्फ दो दिन, आज है 8th, 9th, 10th, दो दिन बचा है, बट कुछ लोग कह रहे हैं इस बार राखी 11th की भी है, 12th की भी है, डोंट नो। चीनू के स्कूल से तो सर्कुलर आ गया है कि उनको राखी की जो छुट्टी दी गई है वो 12th की दी गई है, बट हम लोग 11th की राखी मनाएंगे तो 11th की भी बेचारे की छुट्टी हो गई। इवन चीनू के स्कूल में तो ये भी है कि 15th अगस्त को शायद उनको इस बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने स्कूल ही जाना पड़ेगा, बट अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का है या पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आई डोंट नो, सर्कुलर आके पता लगेगा। बट एक्चुअली हम लोगों ने कुछ वीकेंड था ना तो प्लान किया हुआ था जो आप डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी बज रहे हैं 12, मैंने खाना वाना सब चढ़ा दिया है और मैं जाऊंगी अभी उत्सव को पिक करने के लिए क्योंकि आज यशवंत घर पे नहीं है, उसके बाद एक घंटे का गैप होता है फिर मुझे चीनू को पिक करना पड़ता है, तो मैं मिलती हूँ दोनों बच्चों को पिक करने के बाद आपसे, स्टे विद मी। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है और बच्चों की स्कूल की छुट्टी का मतलब बच्चों का फन डे। वो भाई साहब उत्सव का ट्रैक्टर ठीक कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। उसी कम यार बेबी कम। और तो गाइस मैं टाइगर हूं। नहीं मैं टाइगर हूं, नहीं मैं अगली शेर हूं। अगली शेर, अगली। तो अभी आज हम लोग सारे ही लेट उठे हैं बिकॉज रात को भी लेट सोई थी मैं भी, और बस अब नाश्ते की तैयारी करूंगी आज। तो आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए इडली और टमाटर प्याज वाली जो चटनी होती है ना वो, नारियल मेरे पास नहीं था तो मैं नारियल की बना देती, तो टमाटर प्याज वाली चटनी बनाऊंगी, सांभर नहीं बना रही हूँ, सिंपल चटनी बनाऊंगी। तो चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट प्लेस किचन में। तो ना इडली का बैटर तो मैंने तैयार कर लिया था दही और पानी को मिक्स करके, बस इसमें थोड़ा सा मैं तड़का मिलाऊंगी, तो बस अभी उस तड़के की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है और यहाँ अंदर से दोनों की शोर आ रही है, मतलब छुट्टी वाले दिन दोनों का मतलब चलता ही रहता है। तो यहाँ तड़के के लिए जो मैं सामान डालने वाली हूँ वो है थोड़ा सा राई, जीरा और थोड़ा सा चने की दाल और कड़ी पत्ता। तेल मेरा हो चुका है तो यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। और बस सब में से मैं यहाँ इसमें ऐड करने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पे ना इडली को थोड़ा सा, यहाँ इडली में मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स करके, बस मेरा बैटर इस तरीके से बन चुका है। अब मैं इसको उसमें इडली के सांचे में डाल दूंगी। प्याज टमाटर की चटनी, बस उसके लिए पैन को मैंने गरम कर लिया, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ऑयल गरम होने देते हैं और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा और थोड़ा सा हिंग का तड़का लगाऊंगा। बस यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है और अब इसमें डाल रही हूँ जीरा और हिंग का तड़का, ऐड कर रही हूँ थोड़े से अनियन, थोड़े से इसको ब्राउन कर लेंगे, फिर भी थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे ना फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटोज। टमाटोज भी मैंने इसी तरीके से बड़े बड़े काटे हैं क्योंकि बाद में हमें इनको ना मिक्सी में ग्राइंड करना ही है ठंडा करके, तो छोटा काटो या बड़ा काटो आपकी अपनी विश है। तो प्याज मेरे हो चुके हैं हल्के से ब्राउन, अब इस पॉइंट पे मैं टमाटर भी डाल दूंगी
थोड़ा सा ऐड करूंगी इसमें सॉल्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च और बस टमाटर को ना थोड़ा सा गलने के लिए मैं छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे मेरे प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो बस अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और फिर इसको ना मिक्सी में पीस लूंगी अच्छे से, इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी और बस ऊपर से फिर मैं तड़का लगा दूंगी और आपकी टमाटर प्याज की चटनी इज़ रेडी। नाश्ता वाश्ता सब कर लिया है और बस मैंने भी शावर वगैरह सब ले लिया है और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग दोपहर से 1 बजे। 1 बज चुका है और बस मैंने खाना वाना भी चढ़ा दिया है। आज यशवंत कहीं बाहर गए, उनको किसी काम से बाहर जाना था तो वो बाहर गए हैं और ये रहे मेरे दो अनमोल रतन, एक छगन और दूसरा मगन। हु इज छगन एंड हु इज मगन? ये भाई साहब खा रहे हैं, चलो नीचे बैठ के खाओ, नीचे बैठ के खाओ। अभी भी मतलब बचपना खत्म नहीं हुआ, नमकीन खा रहा है और बेड पे बैठ के खाता है। हमेशा बोला है कि बेड पे बैठ के नमकीन नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, सुनना नहीं है। सो गाइस व्हाट्सअप, आज तो छुट्टी का दिन है, सबके बच्चे घर पे होंगे और बच्चों का घर पे रहने का मतलब आप समझ सकते हो मतलब पूरा दिन आपका बच्चों के पीछे जाता है, सुबह से लेकर शाम कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, सारा दिन उनकी डिमांड, उनकी पढ़ाई और बस उन्हीं के पीछे लगे रहो। स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है हम मदर्स को कि चलो यार सुबह से लेकर 2:30 बजे तक 3 बजे तक जितना भी है बच्चा स्कूल में, उसके बाद आके आप एटलीस्ट अपने काम वाम सब निपटा लेते हो, लेकिन जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं ना आप अपना कोई काम नहीं निपटा सकते, am I right? आज तो मैं सच्ची में यही करूंगा। क्या परेशान हो क्या? तो कल है बच्चों का स्कूल है ना जिनो, कल स्कूल है, कल तो स्कूल है ना, कल स्कूल नहीं है, मैम ने बोला था फ्राइडे सैटरडे संडे और उसके बाद कल फ्राइडे नहीं है बेटा, कल वेडनेसडे है यार, मैम ने बोला था वेडनेसडे को भी छुट्टी है। आज 9th है, आज मुहर्रम है, आज की छुट्टी है, कल स्कूल जाना है और 11 इस बार इतना कंफ्यूजन हो रहा है ना राखी को लेके, 11-12 समझ में ही नहीं आना कि 11 की छुट्टी है 12 की, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को ये था कि 11 की राखी है, हम लोगों को ये था कि हमने 11 का राखी करनी थी और हम लोगों ने एक वीकेंड प्लान किया था, समझ में भी नहीं आता। ये आजकल सलमान खान के डायलॉग मार रहा है, क्या मार रहे हो बोलो बोलो बोलो, मेरे बारे में ज्यादा सोचना मत, मैं दिल में भी नहीं आता और समझ में भी नहीं आता। राखी का इतना हॉटस्पॉट चल रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना, और स्कूल वालों ने और मतलब उन्होंने क्या करा है, 11th की छुट्टी ना देके 12th की छुट्टी दे दिया, बिकॉज हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि 11th की राखी है, तो 11th की राखी थी तो हम लोगों ने फिर 12th को फ्राइडे था, सैटरडे संडे, देन मंडे 15th अगस्त, तो 4 दिन की कंटिन्यूशन भी छुट्टियां पड़ रही थी, तो हम लोगों ने एक छोटा सा वीकेंड प्लान कर लिया था, वीकेंड ट्रिप प्लान कर लिया था, तो लेकिन अब स्कूल से सर्कुलर आ गया कि यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि 15th अगस्त को भी बच्चों का स्कूल होगा, तो बच्चों को उस दिन भी जाना है और 11th की राखी को मतलब वो नहीं किया, 12th की राखी कंसिडर कर रहे हैं स्कूल वाले और 12th को उनको हॉलीडे दे दिया है, बट हम लोग तो 11th को ही राखी सेलिब्रेट करेंगे, तो हम तो 11th को फिर चिनू की और सब की दोनों की छुट्टी करानी पड़ेगी हर हाल में, बिकॉज मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाऊँगी और फिर ये भी अपने बहनों को राखी बांधने इधर उधर जाएंगे, तो 11th की तो पॉसिबल ही नहीं है, बट पता नहीं अभी वीकेंड का जो ट्रिप हमने प्लान किया था वो होगा कि नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैंसिल करना पड़ जाए, क्योंकि मोस्टली स्कूलों का यही सीन चल रहा है कि वो लोग 12th की छुट्टी दे रहे हैं, 11th की छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। और उत्कर्ष तो बड़ा एक्साइटेड था ट्रिप के लिए, बट अब कुछ कह नहीं सकते, अभी डाइसी है सिचुएशन, पर लेकिन नाना नानी के घर तो मैं जाऊंगा ही, वहां तो जाएंगे, वहां तो हम लोग राखी 11th की करने ही करने हैं एनीवेज, अब एक दिन की छुट्टी हो भी जाएगी तो आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ी बात है, वैसे भी बच्चों की हो ही जाती है कई बार छुट्टियां, तो हम तो 11th की राखी कंसिडर करेंगे, बट इनको 12th की भी छुट्टी मिल गई है, देन सैटरडे संडे और फिर मंडे स्कूल जाना है, बट नानू के घर में फोफोजी आती है। चलो थोड़ा सा मैं लंच वंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में।
चोट लगी है ना तू, दिखाओ ये देखो तू की चोट अभी यहाँ पे ठीक नहीं हुई। और एक ना ये हम लोग स्कूटर से जब आ रहे थे ना तो ये स्कूटर हमने रोका और इसने दिखाओ खुशी, हम लोग स्कूटर रोक रहे थे ना तो इसने एकदम से पैर वहाँ पे लगा दिया तो उसका यहाँ पे वो थोड़ा सा बर्न हो गया, पर ठीक है अभी तो पहले से काफी बेटर है, उसको काफी ज्यादा जल गया था। तो होता रहता है बच्चों के साथ ये। अरे यार तुम क्या कर रहे हो दोनों के दोनों यार, हम दोनों एक साथ स्कूटर चला रहे हैं, हम दोनों हैं भाई भाई। गाइज वेलकम बैक। तो दोपहर के बाद शायद मैं आप लोगों को अब मिल रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा मैं बिजी हो गई थी, उसके बाद मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला और थोड़ा सा मार्केटिंग करने गए, सामान वान कुछ खरीदना था बिकॉज राखी आ रही है और पैकिंग भी चल रही है क्योंकि कल मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ, तो कल बच्चों का स्कूल है तो स्कूल जब वो उनका हो जाएगा उसके बाद मैं निकलूँगी मम्मी के यहाँ, तो नाइट स्टे वहाँ होगा फिर 11 की राखी करके मुझे वापस आना है बिकॉज 12 की अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप प्लान किया है तो फिर वहाँ के लिए निकलना है, तो बस एक ही दिन का स्टे होगा इस बार मम्मी के यहाँ। तो बस ये सारी पैकिंग ना उसी की चल रही है, तो अभी भी काफ़ी पैकिंग बाकी है। कुछ सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों की पैकिंग ज़्यादा हो जाती है बिकॉज़ हमारा तो कोई बात नहीं बट बच्चों के लिए क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं हिल स्टेशन है तो वहाँ पे ठंडा और गर्म का कुछ पता नहीं होता, तो उनके लिए थोड़े से ठंडे कपड़े भी रखने होते हैं गर्म कपड़े भी रखने होते हैं, तो बस उसी पैकिंग वैकिंग में आज मैं बिज़ी थी। तो बस अभी हम करेंगे डिनर और डिनर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे इस मार्शा की मस्ती चालू है, क्या भाई क्या चल रहा है अभी तक? हाँ सरप्राइज लाया है। सरप्राइज क्या? ये देखो मैंने मना किया था ना पापा को कि राखी से पहले नहीं लाना, मैंने मना किया था उसके पापा को राखी से पहले कोई मिठाई नहीं आएगी और वो पहले उठा के लिया। ये देखिए पापा का खाऊं, पापा ने पहले ही एक मिठाई खा ली। हाँ मैं खाऊंगी नहीं खाऊं मिठाई खा के मेरा ना वो रहता है ये जोक लग डाली कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, दिल कह रहा है खा ले और दिमाग कह रहा है हेमा नहीं सारी एक्सरसाइज वेस्ट हो जाएगी, खाऊं कि नहीं खाऊं। बोलता मीठा मेरी इतनी वीकनेस है ना कि पूछो मत, वरना एक छोटा सा पीस खा ही लेती हूँ, क्या बोलता है कुछ नहीं होगा ना एक छोटे से पीस से। आत्मा कुछ हो गई पर छोटा ही पीस खाया, असली मैं सीधा राखी वाले दिन खाऊंगी। तू पापा अपने लिए लेके आए हैं कुछ सा? वो लगा पूरी की पूरी मिठाई खत्म करने में, पापा देखते पापा गुस्सा करेंगे उनको क्रेडिट होती मिठाई की ज्यादा ही छोड़ा। हेलो मना किया था ना राखी से पहले मत लाना, मैंने ऑलरेडी खा लिया है। नहीं अच्छा लो उसको मीठे की तलब नहीं होती, चॉकलेट वाइट चॉकलेट भाई चॉकलेट है खा के देखो नहीं तो वापस फेंक देना। पहले से मैं यार मुझे ना स्टोरी ऑफ विजडम पढ़ के ना बहुत मजा आया ब्रो। ब्रो हु इज योर ब्रो? आई एम योर मॉम, आई एम नॉट योर ब्रो। ओए मां ओए क्या मजा आया, अच्छी लगी स्टोरी? हां ब्रो तो ऐसे ही पढ़ा करो ना डेली स्टोरी, डेली हैबिट डालो रात को स्टोरी पढ़ने की, पता है बुक रीडिंग करना इतनी अच्छी हैबिट होती है। सो जाओ आप दोनों, ओ छगन मेरे छगन सो जाओ ना, आप मगन हो छगन हो? नहीं मैं मगन होके जागो लूं। मैं जगन हूं। सो आर यू एक्साइटेड? उत्कर्ष आज बहुत एक्साइटेड है, क्यों एक्साइटेड है भाई? क्योंकि परसों रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन है क्योंकि उसे कल जाना है नानी के यहाँ और नानी के यहाँ एज यूजुअल उसका जिगरी दोस्त उस नानी के यहाँ आने वाला है सच्चू मेरी बहन का लड़का। तो इन दोनों को ना आपस में बड़ा वो रहता है कि यार हाँ मुझे ये मिला, दोनों एक ही एज के है ना तो थोड़ा सा बॉन्ड बना रहता है इन दोनों का, बट जब ये नहीं मिलते ना तब ये मतलब वीडियो कॉल और कॉल व्हाट्सअप वगैरह करके बोलते रहेंगे तू आ रहा है मैं आ रहा हूँ ये वो इनका चलता रहता है, और जब ये एक्चुअल में मिलते हैं ना ऐसी महाभारत होती है ना इन दोनों की, ऐसी महाभारत होती है ना कि घर वाले परेशान हो जाते हैं, दोनों ऐसे लड़ते हैं कि बस दोनों बोलते हैं मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, दूसरा बोलता है मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, तो इतना हो रहता है इन बच्चों का पूरा फोन कैमरा फूट जाता है। तो खैर बच्चों का तो ये सब चलता रहता है और फिर वही होता है फेस्टिवल का टाइम ऐसा होता है जब आप अपने कजन्स वगैरह से मिल पाते हो, मोस्टली तो जनरली हम लोग नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हमारा डिस्टेंस भी काफ़ी है और फिर कभी किसी बच्चे के एग्ज़ाम कभी किसी बच्चे के एग्ज़ाम, तो वही समर वेकेशंस और ये विंटर वेकेशंस और फिर या फिर ये छोटे छोटे जो हॉलीडेज आते हैं फेस्टिवल्स आते हैं इसी में मिल पाते हैं हम लोग, है ना जी? तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, कल देखते हैं की चमक से आपको पता लग ही रहा होगा कितने एक्साइटमेंट है नानी के घर जाने के, है ना?
बोलो सच्चू, हियर आई कम। सच्चू हियर आई कम। दारू दादी, आपके घर में बहुत जबरदस्त ज्वालामुखी फटने वाला है। तो चलो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। मैं भी डिनर कर लेती हूँ बिकॉज अभी मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इन केस यू लाइक माय वीडियो, प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप। मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यूज़ के क्रिएशंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।